सुप्रभात बच्चों, पिछले अध्याय में हमने मात्राएं सीखी थी और मात्राओं से शब्द बनाने सीखे थे। अब आज हम विलोम शब्द सीखेंगे। विलोम शब्द हमने पहले भी पढ़े हैं। शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। आज हम इसे लिखना सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिनांक लिखनी है। दिनांक, आज की दिनांक है 29/6/2020। अब आपको इन पहली दो लाइनों में लिखना है विलोम शब्द लिखिए। अब आपको इस लाल लाइन के इस तरफ आपको नंबर लिखने हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा दूर लिखा, इस लाल लाइन से आपको दूर लिखने हैं। इसमें आपको जो ये विलोम शब्द आप लिखेंगे, ये भी यहाँ से थोड़ी दूरी बनाकर लिखेंगे। आप इस लाल लाइन के यहाँ पे इससे छुआते हुए नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा दूर लिखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगाने हैं। ये क्रॉस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसका उल्टा अर्थ लिख रहे हैं हम, जो भी शब्द लिख रहे हैं इसका उल्टा अर्थ, तो ये इसलिए हम यहाँ पे बीच में क्रॉस लगाएंगे। आइए अब देखिए, विलोम शब्द लिखिए। पास, पास का विलोम होता है दूर। दूर कैसे लिखेंगे, देखिए, द, द के नीचे बड़े ऊ की मात्रा, र, दूर, पास, दूर। ऊपर, ऊपर का विलोम होता है नीचे, न, न पे बड़ी की मात्रा, च, च पे ए की मात्रा, नीचे, ऊपर, नीचे। हंसना, हंसना का विलोम होता है रोना, र, र पे ओ की मात्रा, न, न पे आ की मात्रा, रोना, हंसना, रोना। मोटा, मोटा का विलोम होता है पतला, प, त, ल, ल पे आ की मात्रा, पतला, मोटा, पतला। छोटा, छोटा का विलोम होता है बड़ा, ब, ड, ड के नीचे बिंदु, आ की मात्रा, बड़ा, छोटा, बड़ा। काला, काला का विलोम होता है सफ़ेद, स, फ, फ के यहाँ पे हम बिंदु लगाते हैं, स, फिर ए की मात्रा, द, सफ़ेद। अमीर, अमीर का विलोम होता है गरीब, ग, र के ऊपर बड़ी की मात्रा, ब, गरीब, अमीर, गरीब। गर्मी, गर्मी का विलोम होता है सर्दी, तो सर्दी को हम दो रूप में लिख सकते हैं। देखिए, स, र, द, द के ऊपर बड़ी की मात्रा, सर्दी। एक और इसका होता है स, द, द के ऊपर बड़ी की मात्रा और ऊपर र की मात्रा, सर्दी, गर्मी, सर्दी। दिन, दिन का विलोम होता है रात, रा, र के आगे आ की मात्रा, रा, त, रात। अंदर, अंदर का विलोम होता है बाहर, ब, ब पे आ की मात्रा, ह, र, बाहर, अंदर, बाहर। अब आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आप भी लिखिए। धन्यवाद।